जय माता दी। दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी ग्रहण आता है तो सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं मन ही मन में घबराने लगती हैं, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है कि ग्रहण के समय कई ऐसे काम हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। साथ ही शास्त्रों और पुराणों में भी ग्रहण को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इन नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रहण और सूतक के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, इससे जुड़े मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि ग्रहण आते ही गर्भवती महिलाओं के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन्हें सही नियम की जानकारी ही नहीं होती है, इसलिए यह वीडियो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हैं। उनके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आशा है कि आपके सारे सवाल आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे ग्रहण व सूतक के समय गर्भवती महिलाओं को टीवी या मोबाइल देखना चाहिए या नहीं, तथा सूतक काल में वह खाना बना सकती हैं या नहीं, या ग्रहण के समय वह खाना खा सकती हैं या नहीं, साथ ही ग्रहण व सूतक के दौरान उन्हें सोना चाहिए, लेटना चाहिए या बैठना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन नियमों को लेकर वह अत्यधिक चिंतित रहती हैं। साथ ही ग्रहण व सूतक के समय वह पेशाब जा सकती हैं या नहीं। साथ ही न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, जिससे कि आप अपने नवजात शिशु को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा सकती हैं। इसके अलावा बहुत से गर्भवती महिलाओं के क्वेश्चन आते हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियम मानने होंगे या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है, इसलिए उन्हें ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही उन्हें काफ़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए और ग्रहण की छाया के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि जब भी ग्रहण पड़ रहा हो तब गर्भवती महिलाओं को अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए या उनमें कोई मोटा पर्दा डाल लें, ताकि ग्रहण की रोशनी आप तक बिल्कुल भी ना पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रहण और सूतक के समय गर्भवती महिलाओं से जुड़े सारे सवालों की। तो सबसे पहला सवाल है कि ग्रहण व सूतक के समय गर्भवती महिलाएं टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना यह होता है कि ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान दूषित तरंगे और भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ग्रहण की दूषित किरणें सिर्फ गर्भवती महिलाओं पर ही बुरा असर डालती हैं, यह सभी लोगों पर समान रूप से इफ़ेक्ट डालती हैं। इसलिए ग्रहण के समय आप टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो मोबाइल या टीवी पर ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना वक्त काट सकती हैं। बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा समय तक टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और साथ ही अपने मोबाइल की ब्राइटनेस भी कम कर लें। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि गर्भवती महिलाएं सूतक के समय खाना बना सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि जी नहीं, आप सूतक के समय खाना ना बनाएं, क्योंकि खाना बनाने के लिए आपको गैस जलाना होगा चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब्जियां काटनी पड़ेंगी। तो आपको बता दें कि ग्रहण व सूतक के समय आग नहीं जलानी चाहिए, बल्कि आग से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण व सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। आप सूतक का लगने से पहले ही खाना बनाकर रख लें, साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते भी डालकर रख लें,
ताकि आपका खाना ग्रहण से दूषित ना हो। यदि आपके अलावा घर पर कोई है तो वह गर्भवती महिला के लिए खाना बना सकते हैं। सूतक के समय में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण व सूतक के समय खाना नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं का सवाल होता है कि क्या वह सूतक व ग्रहण के समय खा सकती हैं? तो आपको बता दें कि हाँ, आप ग्रहण और सूतक के समय खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने और पीने वाले पानी में तुलसी का पत्ता, कुसा या दूर्वा घास डाल लें। इससे आपका वह खाना और पीने वाला पानी में ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। ग्रहण व सूतक के समय आप इसी खाने का प्रयोग करें और इसी जल का प्रयोग करें। बस ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान आप ज़्यादा हैवी डाइट ना लें। आप चाय, बिस्किट, दूध या सात्विक भोजन भी ले सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के तीसरे सवाल की कि क्या वह ग्रहण और सूतक के समय सो सकती हैं, लेट सकती हैं या बैठ सकती हैं। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ग्रहण के समय अगर गर्भवती महिलाएं सो जाती हैं तो वायुमंडल में फैलने वाली दूषित किरणें उनके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे ग्रहण के समय सोए हुए हों या जगे हुए हों, दूषित किरणें सांसों के द्वारा अंदर जा सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सांस लेता है। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के सोने पर ही दूषित किरणें उन्हें इफेक्ट करती हैं और जागने पर ऐसा नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि यदि गर्भवती महिलाएं इतनी देर खड़ी रहेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय लेट सकती हैं, सो भी सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैरों को मोड़ें ना, आप सीधा ही लेटें। लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप लेटना बैठना या पैर मोड़ना चाहती हैं, तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसे अपना कर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेट बैठ और सो भी सकती हैं। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं से जुड़े चौथे सवाल की कि क्या वह ग्रहण व सूतक के समय पेशाब जा सकती हैं। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण के समय अगर गर्भवती महिलाएं यूरिन पास करने जाती हैं तो इससे उनके होने वाले शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं और उन्हें जोर से यूरिन लगी हो और वह ग्रहण के इस नियम के चलते यूरिन पास करने ना जाएं, तो यह गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से उनके और उनके होने वाले शिशु को दिक्कत हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिला ग्रहण व सूतक के समय यूरिन पास करने जा सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दें कि पुराने समय में ग्रहण के दौरान पेशाब के लिए इसलिए मना किया जाता था कि उस समय बाथरूम घर से बाहर होते थे। लोगों को घर के बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से ग्रहण की छाया गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब सबके घर के अंदर ही बाथरूम बने होते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस नियम से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ग्रहण व सूतक के समय यूरिन पास कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवें सवाल की कि नवजात शिशुओं को ग्रहण के बुरे प्रभाव से कैसे बचाएं? तो आपको बता दें कि ग्रहण का असर न केवल गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है, बल्कि छोटे बच्चों पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि ग्रहण की कोई भी किरण यदि नवजात बच्चे के शरीर पर पड़ जाती है तो वह उसके शरीर के उस अंग पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। यदि किसी बच्चे की कुंडली में ग्रहण जैसा दोष हो तो या सूर्य किसी रूप से पीड़ित है तो उस बच्चे को इस समय अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में उस बच्चे की सेहत विशेष रूप से खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य की पड़ने वाली छाया आपके बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। वहीं उसके पिता को भी इस समय में अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए किसी भी रूप में ग्रहण की छाया अपने बच्चे पर पड़ने ना दें। इसके अलावा जो बच्चे ग्रहण के समय जन्म लेते हैं वह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं इसीलिए उन्हें भी खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान वे सभी कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी तरह की तकलीफ हो। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच्चों को कैसे बचाएं, उसके लिए आप कौन से उपाय करें। तो आपको बता दें कि ग्रहण के दिन जितना भी हो सके अपने बच्चों पर ग्रहण की किरणें ना पड़ने दें। ग्रहण काल के दौरान उन्हें घर के ही अंदर रखें, और ग्रहण के दौरान जितना हो सके बच्चे की माता को अपने इष्ट देव या किसी भी भगवान को जिन्हें वह मानती हैं उनके मंत्रों का जाप करें। इससे बच्चे की सुरक्षा होगी। यदि आपका बच्चा नवजात है तो ग्रहण के समय उसे अकेला न छोड़ें और उसके पास तुलसी का पत्ता अवश्य रख दें। और इसके अलावा ग्रहण के समय अपने बच्चे के साथ किसी भी सुनसान जगह या शमशान आदि जैसी जगहों से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं जो आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। और यदि आपका बच्चा नवजात है तो आपको यह कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय आप अपने बच्चे को खाना या पानी पिलाती हैं तो उनके खाने और पानी में भी तुलसी दल अवश्य डाल दें, और ग्रहण के बाद अपने बच्चे को स्नान जरूर कराएं और उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहना दें। और यदि आपका बच्चा नवजात है तो आप उसके हाथ पैर धुला कर कपड़े बदल सकती हैं, और ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने बच्चे के पहने हुए पुराने कपड़े दान जरूर कर दें। साथ ही अपने बच्चे के नाम से गेहूं का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को देने से बच्चे को लाभ मिलता है। इसके अलावा ग्रहण के बाद अपने नवजात बच्चे को दूध पिलाने से पहले स्वयं स्नान अवश्य कर लें, और उसके बाद ही आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। इससे आपका बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहेगा। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के आखिरी सवाल की, कि क्या गर्भवती के पति को भी ग्रहण के नियम मानने होंगे। तो आपको बता दें कि बहुत सी गर्भवती महिला यह सवाल पूछ रही हैं कि जो नियम उन्हें मानने हैं क्या वह नियम उनके हस्बैंड को भी मानने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए। ग्रहण के समय बताए गए नियम सभी के लिए होते हैं। जो कॉमन रूल्स हैं वो सभी को फॉलो करने चाहिए, जैसे ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए तथा ग्रहण के समय किसी तरह का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय बाल काटना, नाखून काटना तथा दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, और ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये नियम तो सभी को फॉलो करने ही चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है उन हस्बैंड को खासकर इन नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि होने वाला बेबी आप दोनों का ही है। उसकी अच्छी हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ नियमों का पालन करना है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रहण व सूतक के समय गर्भवती महिलाओं के साथ साथ उनके हस्बैंड को भी कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पूरे पेट पर गेरुआ, चंदन या हल्दी का लेप लगा लेना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पी लें, और इसके अलावा ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल जरूर रख लें। इससे वायुमंडल में फैली हुई निगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करेगी। इसके साथ ही आप चाहें तो ग्रहण के समय तुलसी की माला भी पहन सकती हैं, और ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। आप चाहें तो गर्भ गीता का पाठ कर सकती हैं। इससे आपकी होने वाली संतान तेजस्वी, यशस्वी और संस्कारी होती है। चलिए अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करके गर्भवती महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार लेट बैठ या सो सकती हैं।
तो इस उपाय में गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली ले लेनी चाहिए। उसे आप किसी खूंटी या कील में लटका दें। बस ध्यान रखें कि वह धागा मुड़े नहीं, एकदम सीधा रहे। इस धागे को सीधा इसलिए रखते हैं कि ये माना जाता है कि आपकी जगह ये धागा ग्रहण के समय एकदम सीधा है। यह आपका सिंबॉलिक है। यदि आपके घर में कोई कील नहीं है तो आप इसे दीवार के सहारे सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं। इस उपाय को करने से गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय अपनी मर्जी से लेट बैठ सकती हैं, करवट भी ले सकती हैं और पैर भी मोड़ सकती हैं, और ग्रहण समाप्त होने के बाद इस धागे या मौली को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का किसी भी प्रकार का दोष गर्भवती महिलाओं पर या उनके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।